Hello everyone, welcome to Excel Math. This is Aishi, your educator, and today we are going to study about exponents of real numbers of chapter number system. So, shuru karte hain directly with the example. Let us suppose 2 ek hamare paas number hai and we multiply it with the 2 5 times. Humne 2 ko khud hi se, let us suppose 5 times multiply kiya. So, इस एक्सप्रेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं एंड वो क्या है, वी कैन राइट इट एज 2 एंड 2 के ऊपर 5. तो ये जो 5 है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि ये जो नंबर 2 है वो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 5 टाइम्स, यही रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ये नंबर इज नथिंग बट क्या है, एक्सपोनेंट. यस, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट. समझ आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सी सपोज हमने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विद द 3 इटसेल्फ, राइट? तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3 एंड इसके ऊपर 4, जो कि 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, कि हमने 3 को खुद ही से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. तो यहाँ पर ये 4 क्या होगा हमारे पास, नथिंग बट एक्सपोनेंट. आया समझ में? एक्सपोनेंट कह दो, या फिर इसके दो और नाम होते हैं, दैट इज इंडेक्स एंड पावर, राइट? सो वी कैन से इट एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर, ऑल द 3 इज वन एंड द सेम थिंग. चलिए तो अब डेफिनेशन देखते हैं. पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सपोज करो हमने एक रियल नंबर लिया ए. क्या लिया? एक रियल नंबर ए, और हमने ए को खुद ही से मल्टीप्लाई किया एन टाइम्स. तो जैसे कि मैंने अभी बताया, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए, और फिर ए को हमने जितनी बार मल्टीप्लाई किया था उसको हमने ऊपर रख दिया एन. तो ये ए और ऊपर एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट ए इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ एन टाइम्स. तो यहाँ पर ये एन क्या होगा हमारे पास, इट इज नोन एज एक्सपोनेंट, जिसका और हमने अभी क्या नाम बताया, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इंडेक्स या फिर पावर, ठीक है? अब जो हमने ये ए लिया, ये जो रियल नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको भी हम एक नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है? तो इसको रीड किया जाता है एज ए रेज टू पावर एन और nth पावर ऑफ ए. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, आइदर यू से ए रेज टू पावर एन और nth पावर ऑफ ए, ठीक है? अब ये जो एन हमने लिया, मेन थिंग रह गई हमारे पास, जो ये हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये हमारे पास कहां से आ रहा था, एक पॉजिटिव इंटीजर के सेट से, है ना? तो एन अभी हमने क्या लिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि नेचुरल नंबर्स जितने भी 1, 2, 3, 4, ये सब वैल्यूज हमारे पास एन ले सकता है, राइट? तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होते हैं, मतलब क्या हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या हम उसको जीरो भी ले सकते हैं, या हम उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं? क्या लगता है कि क्या हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, इज इट एनी नंबर और नॉट? तो वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू द पावर 0, ये पॉसिबल है लिखना. और इसका आंसर क्या होता है, चलिए वो देखते हैं. इट इज 1. क्या होता है, 1, बट एक कंडीशन है, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. ए रेज टू द पावर 0 ये एग्जिस्ट तो करेगा, बट कब, जब ए हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर होगा. ए क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है? 3 रेज टू 0, 5 रेज टू 0, 8 रेज टू 0, राइट, -1 रेज टू 0, बाकी सब हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और हर एक का आंसर क्या होगा, 1. आया समझ में कि हम सारे ए रेज टू द पावर 0 निकाल सकते हैं एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0. इसलिए हम कहते हैं कि ए हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, तब हमारे पास ए रेज टू द पावर 0 एग्जिस्ट करता है और हर एक का आंसर क्या आएगा, हर एक का आंसर आएगा 1. नाउ अब हमने एन को कहा हम पॉजिटिव रख सकते हैं जब ए रियल नंबर हो, 0 रख सकते हैं जब ए नॉन जीरो रियल नंबर हो, क्या हम उसको नेगेटिव रख सकते हैं?
ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, और इसका भी आंसर आएगा यस, एंड उसमें भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है, विच इज अगर हमारे पास ए नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए जीरो नहीं होना चाहिए, एन हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास माइनस एन क्या होगा, तब माइनस एन नेगेटिव इंटीजर होगा, राइट? तो ए रेज टू माइनस एन एग्जिस्ट करेगा, और उसको हम और क्या बोल सकते हैं, ए का रेसिप्रोकल एंड देन रेज टू द पावर एन। तो अगर ए की पावर सपोज माइनस टू निकालना है तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, फाइव टू द पावर माइनस फोर निकालना है से तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये ए हमने लिया है विच इज फाइव वो क्या है, नॉन जीरो। तो जब तक ये नॉन जीरो है तो नेगेटिव पावर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं, और वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वी कैन राइट इट एज 1/5 raised to the power 4। एम आई क्लियर, सभी को समझ आया? चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ लॉज, दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन गिव्स ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास बेस, ए को बेस कह रहे थे, अगर वो सेम होता है एंड पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स अगर डिफरेंट है, बेस सेम है और नंबर्स क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कहने का मतलब है सपोज 3 raised to the power 3 हमने लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 raised to the power 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग पावर्स क्या हो जाती हैं, एड, तो ये बन जाएगा 3 raised to the power 8। आया समझ में? सेकेंड बिल्कुल इसी की तरह है, देखो अगर हमारे पास बेस सेम है, अब की बार पावर्स डिफरेंट है, वही सेम, बस मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो डेनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, वी विल नॉट टेक डेनोमिनेटर जीरो, उसके लिए हमारे पास कंडीशन आ जाती है ए नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एग्जिस्ट करे आंसर, उसके लिए हम क्या मेक श्योर करते हैं कि डेनोमिनेटर क्या हो, जीरो ना हो, तो इसलिए ये हमारे पास कंडीशन आती है। अब हमने क्या किया, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई था तो पावर्स ऐड हो रही थी, अब की बार हमने डिवाइड किया है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसमें अगर हम सेम ले लेते हैं 3 raised to the power 5 को 3 raised to the power 3 से डिवाइड करते हैं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, 3 raised to the power 2, जो कि क्या होता है, 9, राइट? थर्ड हमारे पास बहुत ही सिंपल है, ये कहता है कि अगर हमने किसी भी नंबर की पावर करी, ठीक है, सपोज करो हमने ए की पावर करी एम, एंड देन हमने जो आंसर आया फिर उसकी अगेन हमने पावर कर दी एन, पावर की पावर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट? जैसे कि सपोज करो हमने 3 ही ले लेते हैं, अभी 3 चल रहा है, 3 की हमने पावर करी 2, ठीक है, एंड देन हमने इस पूरे की पावर कर दी से 5, तो इसमें क्या होगा, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 is 10। अगर ये समझ आता है तो फोर्थ एंड फिफ्थ और भी अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी, देखो अब की बार हमने क्या लिया, ए बी टू द पावर एन गिव्स ए रेज टू द पावर एन इंटू बी रेज टू द पावर एन, राइट? या फिर हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, सो वी विल स्टडी इट लाइक दिस, राइट? अब यहाँ पे देखो ए और बी हमारे पास बेस डिफरेंट है, और पावर सेम है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी, अब की बार क्या है, बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले बेस की मल्टीप्लाई कर दो और फिर पावर कर दो। जैसे कि सपोज करो हमने 3 raised to the power 5 को मल्टीप्लाई किया 2 raised to the power 5 से, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों में हमारे पास बेस डिफरेंट है, एक बार 3 है, एक हमारे पास 2 है, बट पावर सेम है, तो उस केस में क्या होता है, बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर 4 to the power 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 raised to the power 5। आया समझ में? अब की बार क्या है, बेस डिफरेंट, पावर सेम, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर ये आया तो डिवाइड भी हो जाएगा, वही बिल्कुल सेम, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उसमें भी क्या होता है कि पहले बेस आपस में डिवाइड हो जाता है और फिर उसकी हम पावर एन कर देते हैं। यही ले लेते हैं, अगर अब की बार ये डिवाइड हो रहा है
इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास बेस आपस में डिवाइड हो जाएगा और फिर उसकी पावर क्या हो जाएगी, 5। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए, 0। आए सारे लॉज अच्छे से समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ आया? जब हमारे पास बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो रही थी मल्टीप्लाई के केस में, माइनस हो रही थी डिवाइड के केस में, बट जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो गया और पावर सेम हो गई तो अब की बार हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई के केस में पहले बेस को मल्टीप्लाई करके देन वो पावर हमने रेज कर दी, और डिवाइड के केस में पहले बेस को डिवाइड कर दिया एंड देन पावर रेज कर दिया। आया समझ में? चलिए और अच्छे से समझ आएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला हमारे पास कहता है 5 raised to 8 डिवाइड बाय 5 raised to 3। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, बेस हमारे पास सेम है, जब बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 एंड द आंसर वुड बी 3125। आया समझ में? सेकेंड में देखो हमारे पास क्या हो रहा है, 3, एक बार हमने इसकी पावर करी 2 एंड देन होल पावर 3। तो जैसे कि मैंने बताया पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इसमें क्या आएगा हमारे पास 3 और इसमें पावर हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, तो इट वुड गिव 3 raised to the power 6 और ये कितना होता है हमारे पास, 729। ये तो कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट, राइट? नाउ थर्ड, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एक रियल नंबर है, राइट? और उसकी हमने पावर करी है नेगेटिव पावर, तो ये हमने कहीं तो पढ़ा है आज, नेगेटिव पावर में हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, नंबर का रेसिप्रोकल एंड देन रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3/4 रेसिप्रोकल और पावर 3, राइट? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4/3 to the power 3, राइट? एंड देन कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 64/27। आया समझ में? चल नेक्स्ट देखते हैं। इट सेज यहां पर देखो आप, इसको अलग कंसिडर करो, इसको अलग कंसिडर करो, राइट? यहां पर दोनों में बेस सेम है, 2 पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ऐसे में पावर्स एड हो जाती है, राइट? ए एम इंटू ए एन गिव्स ए एम प्लस एन, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 255 + 60 माइनस। अब यहाँ पर भी सेम यही वाला लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग बेस सेम और पावर्स क्या हो जाती है, एड, तो ये कितना होएगा, 0, राइट? आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास कहता है 3 raised to n into 9 raised to the power n plus 1 upon 3 raised to n minus 1 into 9 raised to the power n minus 1। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। अब दोनों में सेम लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ है? देखो हमारे पास बेस सेम है दोनों में, बस पावर्स डिफरेंट हैं। जब बेस हमारे पास सेम हो, पावर्स डिफरेंट और डिवाइड होता है तो पावर्स आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, राइट? ऐसे ही जब बेस 9 है तो इसकी भी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, राइट? अब ये क्या हो गया, सिंपल कैलकुलेशन, 3 into 9 raised to the power 2 है ना, यही बचेगा हमारे पास एंड दिस विल गिव्स अस 243 आंसर। आया सभी को समझ में? चलिए तो आज हमने देखा एक्सपोनेंट क्या होता है, और उसमें हमने एक्सपोनेंट के 3 कंडीशंस देखी। जब हमारे पास हमने एक्सपोनेंट को बिलोंग कराया पॉजिटिव इंटीजर में, देन हमने देखा हम उसको 0 और नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट एक कंडीशन इम्पोज हो जाती है कि जो हम a ले रहे हैं, जो हम बेस ले रहे हैं, वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम n जो एक्सपोनेंट है, जो हमारी पावर है, हम उसको रैशनल नंबर के कलेक्शन में बिलोंग करा सकते हैं या नहीं? आई मीन a रेज टू द पावर n में कैन n बिलोंग टू रैशनल नंबर्स कलेक्शन और नॉट? ठीक है, तो आप लोग इस बारे में सोचिए एंड डू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब द चैनल।
All right, I take your leave. Take care. Keep learning and keep exploring.